गैंग के गुर्गे चढ़े पुलिस के हत्थे। गुजरात के चार आरोपी सहित पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्राइवेट कंपनी में 6.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। डबल मुनाफा दिलाने के नाम पर हुई थी धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस पूछताछ में जुटी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां धोखाधड़ी गैंग के गुर्गे चढ़े पुलिस के हत्थे। गुजरात के चार आरोपी सहित पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्राइवेट कंपनी में 6 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला है। डबल मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी है। तो खबर उज्जैन इंदौर से है और ये पूरा मामला क्या है सिद्धरू करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, धोखाधड़ी गैंग के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, कैसे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, पूरे मामले की क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी और ये गुजरात की अंतर्राज्यीय गैंग है। लगभग धोखाधड़ी का जो अमाउंट है वो 6.5 करोड़ रुपए का है। कंपनी में निवेश के नाम पर डबल मुनाफा देने के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई थी। कई लोगों के खिलाफ इसमें शिकायत दर्ज हुई थी और अलग अलग थानों में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, क्योंकि थी भी एक लोग नहीं, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो डबल मुनाफे के लालच में पैसा दिया उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और कुल इसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और जिस कंपनी के नाम पे ये खोला गया था, जिनके होल्डर थे, जो प्रोप्राइटर थे, सभी लोगों इसको इसमें आरोपी बनाया गया था, लेकिन फिलहाल अब क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ कर रही है और भी बड़े खुलासे के बाद कही जा रही है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियां बनाते थे, इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेश कराने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे और लोगों को लालच देते थे डबल मुनाफा करने के लिए कि आप हमारे कंपनी में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 6 महीने के अंदर हम आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न देंगे। तो इस तरीके की बातें करके ये लोगों को धोखाधड़ी करते थे, अपने साथ जोड़ते थे। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है और भी खुलासे होने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब गुजरात के 4 आरोपी और एक अन्य आरोपी, कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इनसे पूछताछ हो रही है। मुरैना से खबर है, जहां स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण किया गया है। बीच रास्ते 2 युवकों ने किया अपहरण। छात्रा के चिल्लाने पर लोगों ने बचाया, लोगों को चकमा देकर भागे अपहरणकर्ता। पुलिस ने अपहरणकर्ता की वारदात को नकारा, अपहरण की वारदात को नकारा है। पुलिस ने मर्जी से लड़की के साथ जाने की बात कही है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। आप ये देखिए कि मुरैना का पूरा घटनाक्रम है, जहाँ स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण किया गया। बीच रास्ते में युवकों ने अपहरण की कोशिश की और इसी बीच छात्रा ने चिल्ला दिया, जिसके बाद लोगों को चकमा देकर जो युवक थे वो भाग गए और पुलिस ने अपहरण की वारदात को हालांकि नकार दिया है। पुलिस ने मर्जी से लड़के के साथ जाने की बात कही है। गांव की साइड में हुई है, ये मेरे को ले गए थे, ये बोल रहे थे तुझे मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे और छेड़खानी की कोशिश कर रहे थे। कितने लोग थे वो लोग? 2 थे। क्या नाम है उनके? अभिषेक शर्मा। और क्या नहीं पता। तो आपको कहाँ से लेके गए थे? मंडी में से। मंडी से जबरदस्ती ले गए थे? हाँ। काय से लेके गए थे? कार से। गलत कहना है, ये घटनाक्रम इस तरह का नहीं है। वो लड़की अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई है और वो दोनों एक बाइक पे गए हैं और वो जो है उन्होंने एक जगह पेट्रोल भी भराई है। CCTV फुटेज में भी उन लोगों का आराम से मर्जी से जाना दिखाई दे रहा है। बाद में वहाँ जब वो गांव में पहुँचते हैं और ब्रेकर पे से वो बाइक डिसबैलेंस हो जाती है, गांव के लोग उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हो, कहाँ लेके जा रहे हो, तो उस वाली बात पे से जो विवाद होता है और वो वीडियो दिखाई दे रहा है, वो जो अभी तक की पुलिस की तस्दीक में आया है, वो लड़का लड़की अपनी मर्जी से गए। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, ये पूरा मामला बताइए। एक तरफ छात्रा का कहना है कि उसे जबरन लेकर जाया जा रहा था, पुलिस कुछ और बात बता रही है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम जोरा थाना क्षेत्र की मंडी का है, जहां पर एक छात्रा अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, तभी 2 से 3 युवक आते हैं और छात्रा का अपहरण करके उसको कार से लेकर के चले जाते हैं, टिकटोली की ओर जाती हैं, लेकिन रास्ते में कार किसी के कारण के चलते खराब हो जाती है, जिसके बाद वो बाइक से इस छात्रा को लेकर के जाती है। तभी एक गाँव के पास ब्रेकर पर बाइक डिसबैलेंस होती है, जिसके बाद छात्रा बाइक से छलांग लगा करके कूद जाती है और जोर जोर से चीख पुकार चिल्लाने लगती
जाती है, जिस आवाज को सुनकर के आस पड़ोस की भारी भीड़ जमा हो जाती है और ये भीड़ छात्रा को और छात्रा के साथ जो व्यक्ति था बाइक को लेकर के जा रहा था उस व्यक्ति को दोनों को ही पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उस युवक से उसका नाम पता पूछा जाता है, लेकिन युवक है वो नाम पता ठीक से नहीं बताता है। उसके बाद जो युवक होता है वो जो स्थानीय लोग पकड़ते हैं उनके चंगुल से कैसे करके भाग जाता है और जो छात्रा होती है उसको वो जो ग्रामीण थे वो गांव लेकर के आए, उसके घर लेकर के आए। उसके बाद छात्रा ने पूरी घटना अपने माता पिता को सुनाई, उसके बाद अपनी माँ के साथ पहुंच करके जौरा थाने में उसने प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन इस पूरे मामले को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ठाकुर ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, छात्रा गई है अपनी राजी से गई है, वो सीसीटीवी में ऐसा लग रहा है कि राजी से गई है छात्रा। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी वीडियो एक सामने आया है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि छात्रा अपनी मनमर्जी से गई है, लेकिन जब वो पकड़ में आ गई कुछ लोगों ने उन्हें उनसे पूछताछ कर ली तो छात्रा वहां पर चिल्लाने लगी और आरोप लगाने लगी कि उसे जबरन लेकर जाया जा रहा है। और अब इंदौर से खबर है जहां पर आर्थिक राजधानी में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 72 घंटे में डेंगू के 24 मरीज मिले हैं। अब तक 201 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सोमवार को मिले 8, मंगलवार को 10 मरीज मिले हैं, कल बुधवार को भी मिले थे 6 नए मरीज। बड़ी खबर इंदौर से है, आर्थिक राजधानी में डेंगू का कहर, 72 घंटों में डेंगू के 24 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 201 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सोमवार को 8, मंगलवार को 10 और कल बुधवार को 6 नए मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। भिंड में चंबल नदी से निकलकर मगरमच्छ ग्रामीण इलाकों में जा पहुंचा। मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जहां ग्रामीणों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू करते हुए उसे चंबल नदी में छोड़ दिया। और ये देखिए तस्वीरें, जब मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया और उसे नदी में ले जाकर छोड़ दिया गया, भीड़ का पूरा मामला और इन दिनों देखा ही जा रहा है कि मगरमच्छ लगातार निकल रहे हैं। गनीमत ये रही कि किसी पर इसने हमला नहीं किया और ग्रामीणों ने जब इसे देखा सूझबूझ दिखाते हुए इसका रेस्क्यू किया गया और इसे अब ले जाकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और जैसे ही मगरमच्छ को छोड़ा गया, आप देखिए किस तरीके से मगरमच्छ यहाँ से तुरंत छटपटाता हुआ भागता हुआ नजर आया। और इसी बीच एक अहम खबर, जहां आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया और इस दौरान आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और ब्याज दरें वही रहेंगी। नई मौद्रिक नीति का ऐलान जिसमें कुछ खास बदलाव नहीं किए गए। और अब खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 11 सितंबर को उपचुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। त्रिस्तरीय पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। 5,344 पंच, 34 सरपंच और 4 जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव। नगरीय निकायों में 13 पार्षदों के लिए मतदान होगा। एमपी में निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 21 से 31 अगस्त तक नामांकन होना है। और ये बड़ा अपडेट आपको दे दें भोपाल से, जहां पर एमपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 11 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।
तो निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से वोट काउंटिंग होगी और 21 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। और इस तरीके से ये जो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान है वो सामने आ चुका है। 11 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगरीय निकाय में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस कथावाचक के ठाट बाट देखकर कोई भी हैरान रह जाए। मैं 10वीं पास नटवरलाल जो फ्लाइट से सफर करता है, अपने यजमान के यहां पूजा पाठ कराने फ्लाइट से ही जाता है, जिसकी बातों के जाल में सिर्फ धोखा है, जो खुद को कभी मंत्री का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने का दबाव डालता है। इस कथावाचक ठग की कुंडली में और कितने राज हैं, देखिए। कथावाचक जालसाज के कितने राज। 10वीं पास नटवरलाल की कुंडली। उसकी बातों में धोखे का जाल। लग्जरी लाइफ का वो शौकीन। ठग की ठाट बाट हैरान कर देगी। शातिर गैम्बलर नटवरलाल, कथावाचक जिसकी शानो शौकत ऐसी कि आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसकी लग्जरी लाइफ की कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। बाकायदा फ्लाइट में देश भर में अपने यजमान के घर पूजा पाठ करने जाता, पूजा पाठ के नाम पर आडंबर का खेल खेलता आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित, जिस कथावाचक पर जालसाजी का संगीन इल्जाम लगा है, जिसे उसके गाँव के लोग गैम्बलर के नाम से बुलाते हैं। गैम्बलर यानी वो जिसे पता है कि उसका दांव कैसे पड़ेगा, लेकिन पुष्पेंद्र दीक्षित पर उसका ही दांव उल्टा पड़ गया। कथावाचक की ठगी की कहानी तब सामने आई जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर कराने का दबाव डाला। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पे है, 8 तारीख तक का रिमांड है। अभी जो पूछताछ इस दौरान हुई है तो ये पता लगा है कि ये कई सारे राज्यों में इसके यजमान थे, जहाँ ये पूजा पाठ करने जाता था। पूजा पाठ करने के लिए फ्लाइट के माध्यम से ये पता लगा है कि मुंबई भी गया है, बेंगलोर भी गया है, दिल्ली भी गया है। जिसने सोशल मीडिया पर कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो पोस्ट की, वो फोटो जिससे लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाला जा सके। महज 10वीं पास है ये नटवरलाल, लेकिन ठगी में माहिर। 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम से बीएसएफ डीजी को लेटर लिखकर आरक्षक का ट्रांसफर करवा चुका है। और इसकी जो भी इससे जब्तियां हुई हैं, मोबाइल फ़ोन की जो जब्तियां हुई हैं, उसकी हम फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के बाद जो भी एविडेंस आएगा उसके बाद पुनः इसका पुलिस रिमांड लेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डिटेल्स आएंगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसकी जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पर 2 TI के ट्रांसफर का दबाव बनाया गया। बातों में ऐसा उलझा था कि बड़े बड़े धोखा खा जाते। अभी 5 मोबाइल जब्त हुए हैं जिसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी जो एविडेंस आया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद जो फॉरेंसिक जांच के बाद जो मोबाइल फोन का डेटा आएगा उसके बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आरोपी पुष्पेंद्र को क्राइम ब्रांच ने 5 अगस्त को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। अभी तक कई राज पुलिस के सामने आए हैं। डबरा के छोटे से गाँव उदलपाड़ा के रहने वाले गैम्बलर के आखिर और कितने राज। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।